जो सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा, जिसको अलाफिया अस्पताल मांडीखेड़ा के नाम से जाना जाता है, जो मेवात का सबसे बड़ा अस्पताल है आज के दिन, इसका थोड़ा सा इतिहास ये रहा है कि सन 1996 में एक दादरी के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो उसमें एक ओमान के बादशाह की बेटी जिसका नाम आफिया था, वो उस प्लेन क्रैश के अंदर मारी गई थी। तो उसकी याद में ओमान के बादशाह श्री सुल्तान काबूज सैयद साहब ने एक अस्पताल बनाने के लिए सोचा। तो उसके लिए सोचा कि भी जहाँ के लोग, जहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बहुत कम हैं, ऐसी जगह में वो उन्होंने एक अस्पताल बनाने की सोची। तो उस टाइम को देखते हुए ये सबसे सूटेबल जगह मिली मांडीखेड़ा मेवात के अंदर, जहाँ की, क्योंकि उस टाइम ये जिला नूँह अलग नहीं था, ये गुड़गांव का हिस्सा होता था, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत कम थी। तो इसलिए उन्होंने इस जगह को चूज किया। तो यहाँ पे मांडीखेड़ा के लोगों ने इस अस्पताल के लिए 17 एकड़ ज़मीन दी, और इसके लिए 2 अक्टूबर 1997 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। उस समय माननीय श्री बंसीलाल मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में इसका शिलान्यास किया गया था। साथ इसका इनेगुरेशन, जब ये 1997 के बाद लगभग इसको 4-5 साल में जाके ये बन के तैयार हुआ, तो 2 अप्रैल 2002 को इसका इनेगुरेशन किया गया। तो जो ये हॉस्पिटल है, ये काफ़ी वो जैसे कई ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो कि एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, पूरे देश के अंदर ये लागू हुई थी। इसका उद्घाटन, इसका इनेगुरेशन भी सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में उस टाइम माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, ये चेयरपर्सन यूपीए के द्वारा 1 मई 2011 को किया गया था। इसके अलावा जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, तो इसमें भी पूरे देश में जहाँ त्राही त्राही मची हुई थी, तो इस अस्पताल ने कभी भी किसी मरीज को मना नहीं किया, या हमेशा ऑक्सीजन और चिकित्सीय जिस प्रकार की जितनी भी मतलब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत थी, उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया। देखो, आज के दिन इस अस्पताल में लगभग 50 के लगभग डॉक्टर हैं, और लगभग 500-600 से ज़्यादा लोग, ऑन एंड एवरेज मतलब 500-600 डेली मरीज यहाँ आके अपनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, तथा और सरकार की जितने भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। देखो, जब ये बना था उस टाइम ये एक किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं था। मैं अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूँगा। मैं 2001 के अंदर एक बार दिल्ली से फिरोजपुर जिरका मेरे किसी दोस्त के पास आया था, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक बिल्कुल 5-स्टार होटल जैसी बिल्डिंग थी। मैंने वहाँ जाके पता किया कि भी ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक हॉस्पिटल है। तो ये शुरू में एक 5-स्टारा होटल से कम नहीं लग रहा था। 2010 के अंदर एक हरियाणा सरकार की टीम आई थी, उन्होंने जब यहाँ आके देखा और इसकी साफ सफाई और इसकी जो जो लुक वाइज देखा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम पूरे हरियाणा में इस जैसा कोई अस्पताल नहीं है, और अगर हम आपको अब कहीं और कहीं भेजें, तो हमें कहीं दिल्ली दुल्ली में कोई बहुत बढ़िया हॉस्पिटल होगा ना, उसको देखने के लिए भेजना पड़ेगा।